हेलो फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फारूक भाई, इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है मार्केट में? क्योंकि दिन ब दिन वैसे तो हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो या बैटरी वगैरह हो, सबकी प्राइस नीचे आ रही है। आपके पास हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अपडेट है? सर, अभी तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गए और अभी बेस्ट ऑप्शन है सिस्टम लगवाने का। ऊपर से बिजली के भी दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे, तो अभी बहुत अच्छा बेनिफिट ये कि रेट काफी नीचे आ गए। सिर्फ पैनल में नहीं है, इन्वर्टर्स में भी है, अच्छा, बैटरी वगैरह में आए, हर चीज में रेट नीचे आ गए। अच्छा फारूक, ये बताइए, ये तो मुसलसल अभी रेट नीचे आ रहे हैं जी, तो इसकी वजह क्या है? सर, अभी आगे से रेट भी बहुत नीचे आ गए और ऊपर से माल भी बहुत ज्यादा हो गया सोलर का, तो इस वजह से रेट काफी नीचे आ गए। और दूसरी बात ये कि दिन ब दिन रेट भी बढ़ते जा रहे केसी वालों के, तो इसकी वजह से भी है ना काफी लोग इस तरफ मूव हो रहे सोलर सिस्टम लगाने की तरफ। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से सोलर पैनल के रेट नीचे आ रहे हैं, क्या इन्वर्टर के रेट भी नीचे आ रहे हैं? जी, इन्वर्टर के भी काफी नीचे आ गए रेट, 50-50, 40-40 हजार रुपए के रेटों में इन्वर्टरों में फर्क आ गया है। अच्छा जी, पहले हम ऑन ग्रेड इन्वर्टर बेचते थे 10 किलोवाट का 2,55,000, 2,60,000, आज वो इन्वर्टर ग्रोवाट कंपनी का 2,10,000 रुपए पे आ गया है। और इसी में 15 किलोवाट के रेट थे जो 3,05,000 रुपए रेट थे, उसके आज 15 किलोवाट के इन्वर्टर के 2,50,000 रुपए रेट आ गए। ठीक है। अच्छा, क्या ट्यूबुलर बैटरी की बात की जाए या लिथियम बैटरी की, तो उसके प्राइस भी डाउन हुए? जी, ट्यूबुलर बैटरी जो 185 एमपीए की, इससे पहले आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें हम रेट मेंशन करते थे 55,000-56,000 रुपए करते थे जी, 185 एमपीए बैटरी ट्यूबुलर के, आज वही ट्यूबुलर बैटरी 44,500 रुपए पे आ गई है। इसी में 2500 मॉडल था जिसके 76-78-80,000 रुपए तक गई थी, वो बैटरी आज 57,000 की हो गई है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है कि कम रेट होने का, अगले 1-2 महीने तक ये बरकरार रहेगा ऐसी? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी भरोसा नहीं है। आज जिस तरीके से लोनजी IMO7 मार्केट से शॉर्ट हुआ, तो उसके लिए मैंने IMO7 लोनजी 605 वाट जो बेचा था मैंने, वो तकरीबन मैंने 27.50 रुपए में बेचा था। आज 27.50 रुपए में हम लोग खुद नहीं ले सकते माल, इसलिए 605 वाट अचानक जो शॉर्ट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर माल आ जाएगा। अभी जैसे डिमांड पड़ती है लॉन्जी IMO7 की और सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, तो रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले जाता है। अभी फिलहाल ऊपर गए हैं, मार्केट ऊपर चली गई है लॉन्जी IMO7 की, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद फिर रेट नीचे आ जाएंगे लॉन्जी IMO7 के। अच्छा फारूक, ये बताइए, अभी आपके पास कौन कौन से पैनल है और उसके रेट क्या चल रहे हैं? अभी जो हम आपको बताएंगे, अभी हमारे जो पड़ा हुआ ना हाजिर स्टॉक में, जिनको एंटर बायफिजल 585 वाट पड़ा हुआ है, एक रेट TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, 15 साल वारंटी, 30 साल लाइफ है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लॉन्जी जिसका हम बता रहे हैं रेट आज ऊपर चले गए, ये लॉन्जी IMO7 है, इंशाल्लाह इसके स्टॉक आ जाएगा कल या परसों, हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके क्या रेट मिलेंगे? ये जो अभी हमने रेट आज चलाए थे वो चलाए थे 27.5 रुपए पर वाट चलाए थे, मार्केट रेट इसकी चल रही है 28 रुपए पर वाट, 605 वाट लॉन्जी IMO7 एक रेट TR1। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन से पैनल? इसके अलावा फिलहाल जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, जिनको एंटर बायफिशियल और लॉन्जी IMO7 चल रहा है। अच्छा, जिनको एंटर बायफिशियल है, मार्केट रेट इसके चल रहे हैं 28 रुपए 27.5 रुपए पर वाट चल रहा है, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 27.10 रुपए में पड़ जाएगा। 27.10 रुपए मार्केट रेट अभी भी 27.5-28 चल रही है। अच्छा, इंशाल्लाह पहले पूरी मार्केट घूम के इसके बाद हमसे रब्ता करें। बहुत ज्यादा रेट नीचे आ गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया रेट, लेकिन अभी मार्केट भी काफी ठंडी चल रही है। कहने का मकसद ये, कस्टमर अभी भी वेट कर रहा है कि और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, अभी तो काफी नीचे आ गया, अल्लाह करे और नीचे आ जाए, लेकिन मार्केट का किसी भी टाइम में भरोसा नहीं है, मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जा सकती है। अगर रेट ऊपर जाते हैं लेकिन ऑटोमेटिक काम फिर बढ़ जाता, फिर रिस्क लगना शुरू होगा। अभी रेट नीचे तो अभी देखिए आपके सामने मार्केट की हाल देखिए, अभी सन्नाटा है, थोड़ा काम पे है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टुक टुक चल ही रहा होता है। लेकिन अभी मसला ये कि लोग अभी भी कस्टमर ये इंतजार कर रहे हैं कि और नीचे है, लेकिन अभी यही बेनिफिट है कि अगर ज्यादा ज्यादा नीचे आएगा तो 1-2-3 रुपए पर वाट नीचे, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, और अगर रेट बढ़ गया तो 10-15-20-30 रुपए पर वाट चला जाता है ऊपर। मकसद ये है कि बहुत अच्छा मौका है, किसी भी टाइम ये सोलर मार्केट ऐसी हो गई है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, ऊपर जा सकती है और जमीन बोझ हो सकती है। अभी जमीन बोझ हो गया, किसी भी टाइम ऊपर भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। अच्छा फारूक, ये बताइए, अगर एक नॉर्मल घर में जो लोड होता है, पंखे लाइटें वगैरह या कोई एक इन्वर्टर या एक एसी वगैरह चलाना चाहता हो, तो ये कितने केवी का सिस्टम लगता है और इसके कॉस्ट क्या आती है? सर, ये इसका अगर इन्वर्टर एसी 3-4 पंखे 8-10 लाइटें एक LED टीवी ये वगैरह अगर कस्टमर सिस्टम लगवाता ना, ये तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए में लगता है। ये सिस्टम पहले
5.5 लाख रुपए में लगता था 3 किलोवाट का, जिसमें 6 पैनल होते थे, 2 ट्यूबलेट बैटरी होती थी, 3 स्टैंड होते थे, 100 फीट वायर होता था सोलर का, 20 फीट वायर होता था बैटरी का, और ब्रेकर सेट होता था और इंस्टॉलेशन चार्जेज ये तकरीबन अभी 3-3.25 लाख रुपए के दरमियान आई है। ये उन्हें यही सिस्टम पहले 4.5-5 लाख रुपए का था। काफी फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया, काफी बहुत ज्यादा फर्क आ गया। मतलब है कि अगर हम 1-2 KV का भी सिस्टम लगवाना चाहे तो इससे भी कम में पड़ेगा वो तो। जी इससे भी कम में पड़ेगा, 1 KV भी इससे कम पड़ेगा। 1 KV का पहले सिस्टम जाता था सही, मतलब जिसमें 4 पैनल आप 585 वाट के लगा सके, 3-4 लाइट है, ये सिस्टम पहले जाता था 3-3.5 लाख रुपए में जाता था। अभी ये सिस्टम तकरीबन 2.25 लाख, 2.30 लाख, 2.40 लाख रुपए का आ गया है। फारूक ये बताइए, कम से कम बजट में जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? उनके लिए ये सोल्यूशन है, एक तो पैनल बड़ा में सस्ता हो गया, काफी बड़ा वाला जी, एक सोलर पैनल लगा ले 585 वाट का, इसी पे PWM 50 घंटे का चार्ज कंट्रोलर। कुछ मेरी वीडियो से एतराज करेंगे कि नहीं चलता, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 100-150 सिस्टम ये लगवा के दे दिए। 50 घंटे का PWM चार्ज कंट्रोलर लगा ले, और एक ये जिंको एंटर 5585 वाट की लगा ले जी, आप उस पर 3 पंखे चलाए और 150 घंटे की बैटरी लगाए, सुबह से शाम तक चलाए, रात को तकरीबन 7-8 घंटे बैकअप भी मिलेगा आपको। जबरदस्त हो गया यार ये तो। इसमें खर्चा कितना आता है? इसमें खर्चा लगभग आ जाएगा, एक बैटरी, अभी 120-150 घंटे की बैटरी में खाल से 22-23 हजार रुपए की हो गई है, और पैनल आपका हो गई तकरीबन 37-38 हजार रुपए हो गए, और स्टैंड आएगा इसका 4 हजार रुपए का, ये तकरीबन 70-80 हजार रुपए में टोटल इंस्टॉलेशन के साथ होगा विदाउट पंखे। अगर आप फैन वगैरह लेते तो 1 लाख से ऊपर जाएगा। सही। अच्छा फारूक भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइए इन्वर्टर कौन कौन से आपके पास? इन्वर्टर हमारे पास यूनिक के 1 KV से लेकर 25 किलोवाट तक इन्वर्टर मौजूद है हमारे पास, जिसमें हाइब्रिड है 1 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट तक, इसके बाद फिर 10 किलोवाट ऑन ग्रिड है, 15 किलोवाट ऑन ग्रिड है, 25 किलोवाट ऑन ग्रिड, ये यूनिक हम डिस्ट्रीब्यूटर है, यूनिक के इन्वर्टर मौजूद है, और इसके अलावा यूनिक के लिथियम आयन बैटरी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो फिर दिखाइए सर। ये इन्वर्टर लगे हुए, ये 3 किलोवाट का है, इसकी 4200 वाट सोलर कैपेसिटी है, 2400 वाट आउटपुट है, ये सिंगल बैटरी है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड है। एक तो इसकी सोलर पीवी भी ज्यादा है और आउटपुट भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये 12 वोल्ट पर है, मतलब सिंगल बैटरी पे ऑपरेट है। ठीक है जी, इसके लिए मार्केट रेट चल रहे 1,30,000 रुपए चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देखे उनको ये पड़ जाए 1,26,000 रुपए में। 1,26,000। और ये कितने किलोवाट का है? ये 3.2 है, 3 किलोवाट का है, 3 किलोवाट। और इसी में मैक्स सीरीज है, P2500 1.7 है, इसके मार्केट रेट चल रहे 80,000 रुपए, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देखे उनको ये पड़ जाएगा 67,000 का पड़ेगा, 67,000 का पड़ जाएगा जी, 76,000 रुपए का पड़ेगा, 76,000 रुपए का पड़ेगा, 76,000 जी। इनकी 5 साल वारंटी है, ये देखिए मेंशन हुआ है, 1 साल पार्ट से 4 साल सर्विस है। ये सारे मॉडल मौजूद है, इसमें 3 किलोवाट है, फिर 6.5 किलोवाट है, फिर 4.5 किलोवाट है। ठीक है, हमारे पास ट्यूबलर बैटरी और लिथियम बैटरी भी यहाँ पर मौजूद है। ट्यूबलर बैटरी हमारे पास TX 1800 185 एम्पीयर है, 6 महीने वारंटी है जी, इसकी 2 से 2.5 साल लाइफ है। ठीक है, मार्केट रेट इसके चल रहे 46-47 थाउजेंड चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देखे उनको ये पड़ जाएगी 45,000 में। 45,000 जी, यही रेट पहले थे, इसी बैटरी के पहले रेट 60,000 रुपए थे, लेकिन अभी काफी नीचे आ गए रेट, काफी नीचे आ गए। 185 इंच मॉडल नंबर 1800 है, और इसी में TX 2500 230 इंच मार्केट रेट इसके 60,000 रुपए चल रहे, लेकिन जो भी मैं वीडियो वगैरह देखे उनको ये पड़ जाएगी 57,000 की। पहले कितने प्राइस? पहले ये 80-75 हजार रुपए की बैटरी थी। अच्छा, अभी इस वक्त अभी इसके रेट है 57,000 की मिल जाएगी, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा फिर हमारा लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट 200 एम्पीयर है, 10 किलोवाट का बैंक है, 10 साल वारंटी है, और 8,000 लाइफ साइकिल है, 21 साल लाइफ है इसकी। सही जी, मार्केट रेट इसके जो चल रहे हैं 7,10,000 रुपए चल रहे हैं, लेकिन जो भी वीडियो वगैरह देखे उनको ये पड़ जाएगी 6,92,000 रुपए की। 6,92,000 जी, 6,92,000 रुपए की पड़ेगी। फारूक भाई बताइए इसकी लाइफ कितनी होती है? हमने आपको बताया ना, इसके 8,000 लाइफ साइकिल है, 21 साल लाइफ है, और 10 साल वारंटी है। 1,000 वाट के लोड पे ये 10 घंटे बैकअप देगी, ये 10 किलोवाट का बैंक है। ठीक हो गया। इसी में फिर हमारे पास 48 वोल्ट 120 एम्पीयर है, और 5,000 लाइफ साइकिल है, 5 साल वारंटी है, इसकी 11 साल लाइफ है। मार्केट रेट इसके चल रहे 3,50,000 रुपए, और पहले इसके जो रेट थे 3,90,000 रुपए, अभी इसके रेट काफी नीचे आ गए,
ये पड़ेगी जो भी भाई वीडियो वगैरह देखे उनको पड़ेगी 330,000 रुपए की पड़ेगी। 330,000 जी, 330,000 रुपए की काफी कमी हुई है, बहुत ज्यादा रेट नीचे आ गए। अच्छा फारूक भाई इसके बारे में बताइए, डिस्प्ले ये क्या है? जी जी, ये इसका डिस्प्ले, इसको ये आपके ना वोल्ट वगैरह सारी चीजें दिखाएगा की कितने वोल्ट पे बैटरी खड़ी हुई है और कितने परसेंट पे चार्ज है, ये सारी चीजें दिखाएगी। इसी में फिर हमारे पास जेड बॉक्स बैटरी है जिसके 8,000 लाइफ साइकिल है, जिसके पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिमांड है। 48 वोल्ट 100 एम्पीयर है, जिसके रेट 360,000 रुपए, लेकिन हम आपको देंगे 352,000 रुपए में। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। सर ये हमारा फर्ज है लोगों के अंदर अवेयरनेस देना। अच्छा बाकी हमारे पास सारी चीजें हम आपको दिखा दी और जो भी है कम से कम हो सकेगा कोशिश करेंगे और भी कुछ कम कर सके। फारूक भाई ये बताइए इंस्टॉलेशन के हवाले से अगर कोई चाहता है वीडियो देख के आपने इंस्टॉलेशन करवाए तो क्या वो सर्विस देते हैं आप? जी जी वो भी सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें आपको ये करना पड़ेगा, आपको सामान वगैरह जो है वो परचेस करना पड़ेगा। बाकी इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है वो भले आप कस्टमर जब इंस्टॉल हो जाए तब पे करें। ठीक जी, लास्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए और यहाँ का एड्रेस। सर ये मेन सदर रीगल चौक कराची है और अपोजिट बैंक अल हबीब के सामने बिल्कुल शॉप है, शॉप का नाम है व्यू सन सोलर मार्ट के नाम से शॉप है और कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 03222750329। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।